सामने देख सकते हो काफी सारे पत्थर गिरते हुए आ रहे हैं भाई, ऊपर आग लगी हुई ना उसकी वजह से। बाप रे, खतरनाक सीन हो गया भाई। ओहो हो हो हो, मुझे लगता है थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे भी पत्थर ना लग जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ भाई, मस्त ही मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। बोल तो रहा हूँ मस्त ही, लेकिन काफ़ी हाल खराब हो चुका है। पता है क्या है, कल रात को मैंने पूरा वीडियो एडिट किया था, लगभग रात के 2:30 बज गए थे एडिट करने बाद। फिर रेंडरिंग पे लगाया और मैं सुबह उठा, मतलब 5 बजे के आसपास नींद खुल गई थी मेरी, तो मैंने बोला चलो अपलोडिंग लगाता हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बज गए भाई, लेकिन वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ, बीच में नेटवर्क चले गए होंगे, उसके बाद वापस कनेक्टिविटी में नहीं आई और उसकी वजह से वो अपलोड नहीं हुई, नेटवर्क उड़ ही रहे। फिर मैंने उसे फ्लाइट मोड पर डाला, फिर वापस ऑन किया, फिर वापस ये अपलोडिंग स्टार्ट हुई। 10 बजे से लगाया और 12 बजे जाके वीडियो फिर अपलोड हुई है भाई। अब अपन फ्री हो चुके हैं, अपलोड फाइनली अपनी वीडियो हो चुकी है। वैसे हमें ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गुड़तांग गली, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। वहाँ पे भी एक बहुत खूबसूरत सा हिडन वाटरफॉल है जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। दिखाऊंगा मैं आपको वायरल लोकेशन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमें यहाँ से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। रास्ते में ही खाना खा लेंगे, चाय भी पी लेंगे भाई। सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे देखेंगे निकलते समय, समझ गए होंगे भाई लेट हो गया आज हर्षदीप। धूप भी बहुत जोर से निकल आई थी, टेंट के अंदर बैठा रहा चबस्ती में टीट के तरह कि भाई वीडियो अपलोड होगा उसी बाद आगे जाऊंगा। अगर वीडियो अपलोड नहीं होता मैं आगे चले जाता, फिर मैं ना कनेक्टिविटी तो उड़ जाती, फिर आज वीडियो ही नहीं आता। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर जिस जगह से बैठा हूँ मैं उस जगह से अगर पूरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो फिर वीडियो अपलोड होता ही नहीं है। इसलिए मैं पहले पूरा वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ आराम से आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पहले का वीडियो अपलोड होना जरूरी है आगे वीडियो बनने से। चलो भाई चलते हैं, सामान वामान उठाते हैं, पूरा लोड करना है भाई, काफ़ी सारा सामान है। वैसे मैंने सारा खोल के पैक कर लिया था, बस अब लोड करना है धनों के ऊपर। मुझे लगेंगे लगभग 15 मिनट, उसके अंदर लोड हो जाएगा आराम से। कि भाई जी पूछ रहे आप इतना लेट क्यों जा रहे हो, भाई जी को भी पता नहीं था मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, पर अब हो चुका है, अब जा सकता हूँ आराम से। आओ मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैं इस वक्त किस लोकेशन पे हूँ और ये जगह कौन सी है बेसिकली। सो वो जो आप सामने छोटी सी रोड देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ पूरी, वो वाली बिल्कुल छोटी सी रोड है, हाँ ये रही, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। और मैं उसके पूरे अपोजिट में हूँ भाई, सोचो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हूँ, तब भी यहाँ पे खतरनाक गर्मी है। टेम्परेचर 28 डिग्रीज हो रहा भाई, ये देखो भाई टेम्परेचर हो रहा 28 डिग्रीज, खतरनाक गर्मी। और ये गर्मी जो 28 डिग्रीज होती है ना पहाड़ों की, ये चुपती है खतरनाक तरीके से। तो मैंने थोड़ी देर के लिए राइडिंग जैकेट पहन रखी थी ताकि धूप के बीच में ना हो, बाकी मेरे को पता नहीं था। जहाँ मैं सो रहा था ना उसी के जस्ट नीचे एक शॉप थी भाई, वहाँ खाना वाना सब बढ़िया तरीके से मिल रहा है, सिर्फ 50 रुपये राजमा चावल की थाली, मस्त चावल खाते हैं यहाँ से और फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी व्यू काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ये जगह मुझे याद रहेगी भाई, ये गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और यहाँ के लोग उतने ही अच्छे थे भाई। रात को जब मैंने टेंट लगा लिया था उसके बाद बहुत सारे लोग आए थे बोलने के लिए कि हमारे घर चल लो, हमारे घर चल लो, लेकिन मेरा मन तो ये था भाई कैंपिंग करने का। वो तो मुझे मतलब सरपंच जी ने अलाउ नहीं किया था बाहर वाली तरफ लगाने के लिए, लेकिन तो बाहर लगा था आराम से नेचर के साथ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता उसमें भी, लेकिन ज़रूरी भी है सेफ्टी के साथ, क्योंकि फैमिली वाला बंदा हो चुका हूँ मैं तो सेफ्टी भी देखनी पड़ती है अपनी जान की भी। चलो भाई चाय पीते हैं और मस्त चावल वावल खाते हैं और निकलते हैं आगे कैसे हमारे पे पेट पूजा यहाँ पर हो जाएगी ना, तो आगे अपने को कोई टेंशन नहीं, सीधा एंड लोकेशन तक पहुँच जाएंगे अब। सो ये दही बना रहे हैं हमारे लिए, चावल और दाल और ये रही चाय अपनी। सो यहाँ आ चुके अपने मस्त मिक्स दाल है, राजमा दाल और चावल अचार के साथ और प्याज भी है भाई, मस्त खाना मिल चुका है बढ़िया घर का बना हुआ जैसा, खाते हैं और फिर निकलते हैं अपने आगे के सफर के लिए। सो खाना वाना हमने खा लिया है भाई बढ़िया तरीके से, अब चलते हैं आगे सफर पे। जो शॉप के ओनर थे मेरी उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे थे भाई यहाँ पे मतलब आज सुबह से लेके अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 प्लेट राइस के बेचे हैं, जिनमें से 2 हाफ प्लेट थी, हाफ प्लेट की कॉस्ट है 20 रुपीज़ और 1 फुल प्लेट थी जो मैंने खाया 50 रुपीज़ की, मतलब 10 रुपये की और चाय पी मैंने 60 रुपीज़ दिए, और मतलब बहुत कम ही कमाई हो रही है, बिजनेस नहीं है इस रोड पे बिल्कुल भी, टूरिज़्म बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी नहीं आता है, सिर्फ लोकल लोग जो यहाँ के हैं बस वही हैं, और चहल पहल जो होती है छोटे छोटे बच्चों की है बस, वो आ जाते हैं घूम फिर के,
थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, और कोई भी नहीं है। थोड़ा फील हुआ कि यार टफ है लाइफ लोगों की यहाँ पे जीना। पानी भी नहीं था, मतलब कल रात को जो मैंने कैनी भरी थी ना हैंडपम्प से, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा तो पता होगा आपको, हैंडपम्प पे भरने गया था मैं, उसी कैनी को मैंने पूरे टाइम यूज़ किया। वो बड़ी कैनी थी तो काम आ गई, नहीं तो फिर से मुझे पानी लेने जाना पड़ता काफ़ी दूर। थोड़ा टफ लाइफ तो है लोगों की, चलते हैं। थोड़ा इमोशनल सा हो गया मैं उनकी लाइफ सुन के। सो गांव वालों का या तो यहाँ तक आना पड़ता है हैंडपम्प पे पानी लेने के लिए, या फिर एक अपोजिट पूरा थोड़ा दूर जाके ना थोड़ा सा प्याऊ टाइप का बना हुआ है, थोड़ा सा गोमुख टाइप का बना हुआ है, तो वहाँ से पानी आता रहता है, तो लोग वहाँ पानी लेने जाते हैं। काफ़ी दूरी दूरी पे पानी है भाई। सो मैप के हिसाब से पता चल रहा है कि थोड़े किलोमीटर्स के बाद, मतलब लगभग 10 किलोमीटर के बाद हमें एक छोटी रोड और पकड़नी पड़ेगी। वहाँ से हम अपना रास्ता अलग होगा हमारा, जो बेसिकली जाएगा सीधा गंगा नदी किनारे तक, और वहाँ जाके बनी है वो भाई गुड़तांग गली। बेसिकली ये बनाई गई है, मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च किया कल, मुझे पता चला ये बहुत पुरानी गली नहीं है, पर हाँ पहले ऐसी टाइप की कोई गली हुआ करती होगी, क्योंकि वो गली एग्जिस्ट करती है अभी भी गंगोत्री में, जो पहले से बनाई हुई है, अभी किसी ने बनाई नहीं है उसे, तो वैसी ही गली यहाँ पर भी है लकड़ी की बनाई हुई, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। तो देखते हैं भाई जाके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे वहाँ पे। सामने देख सकते हो काफ़ी सारे पत्थर गिरते हुए आ रहे हैं भाई, ऊपर आग लगी हुई ना उसकी वजह से बहुत सारे, बेसिकली जो पेड़ों में फंसे हुए होंगे ना पत्थर, वो सारे गिरते हुए आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। बाप रे खतरनाक सीन हो गया भाई। ओहो हो हो हो, मुझे लगता है थोड़ा पीछे हो जाना चाहिए, नहीं तो मुझे भी पत्थर ना लग जाए। काफी पत्थर गिर रहे हैं भाई, बहुत सारे, और बहुत स्पीड में आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने ही सारे पत्थर गिर रहे हैं जस्ट अभी। आंख तो पता नहीं कौन लगा के गया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की हो गया। सामने से गाड़ी भी आ रही है, वो भी रुक गई है वहां पे, वो रही गाड़ी। वो देखो भाई काफी बड़े बड़े पत्थर हैं, और मुझे नहीं लगता ये पत्थर गिरना रुकेंगे यार। दौड़ाते हुए निकाली गाड़ी, बच गए वैसे। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, मैं काफ़ी पीछे आ चुका हूँ बीच रास्ते में, और बड़े बड़े साइज़ के पत्थर गिरे थे जस्ट अभी, तो मैं थोड़ा पीछे आ गया, कहीं और पत्थर ना गिर जाए और बहुत बुरी चोट ना लगे। बाकी घबराहट बहुत हो रही है भाई, गाड़ी तो क्रॉस कर गई थी भाई, लेकिन गाड़ी क्या ऊपर से बच भी जाती है छोटे मोटे पत्थरों से तो, लेकिन बाइक में कुछ नहीं भाई, सीधा सर पे पड़ेगा और इंजरी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी। खैर तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ, जल रहे हैं जितने पत्थर गिर रहे हैं गिरने दो, उसके बाद ही निकलता हूँ, लाइफ के साथ रिस्क लेके क्या फ़ायदा भाई। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, पीछे की तरफ भी पत्थर गिर रहे हैं और आगे की तरफ भी पत्थर गिर रहे हैं भाई। खैर पीछे की तरफ तो अभी पत्थर कम गिर रहे हैं, आगे की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पत्थर गिर रहे हैं भाई, और वही रिस्क है भाई। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आगे की तरफ गया बाय चांस, जैसे मेरी तो टू व्हीलर है भाई, टू व्हीलरों में क्या होता है जब आगे तरफ पत्थर आ जाते हैं तो डिसबैलेंस हो जाती है बाइक, और डिसबैलेंस होकर ना सीधा वहीं गिर जाएगी, उसको उठाना और आगे लेके जाने में मतलब इतना टाइम लग जाएगी, और पत्थर आ जाएंगे उतने में तो चोटें बहुत लग जाएंगी सच्ची। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ भाई इस वक्त, थोड़ा देर मैं चाह रहा हूँ रुक जाऊँ, जब पत्थर गिरना बंद हो जाए उसी के बाद क्रॉस करूँ, अगर बाय चांस बाइक गिरी भी तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस उसकी रोड साफ करके क्रॉस करना होगा और कुछ नहीं है। पर लेकिन ये खतरनाक सीन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा भाई सच्ची। एक तो सुनसान रोड है और दोनों तरफ से पत्थर गिर गए हैं, बीच में फंस जाओ, ना खाने के लिए आगे जा सकते हो मांगने कुछ, ना खाने के लिए पीछे जा सकते हो कुछ मांगने। काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होना तो सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ कोई पत्थर नहीं है, आप देख सकते हो एक पत्थर भी नहीं यहाँ पे अभी तक गिरा है, तो ये जगह थोड़ी सेफ है। तो और इससे थोड़ा सा आगे पत्थर है काफ़ी गिरे हुए, और बड़े साइज़ के भी हैं, तो रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं आगे तरफ खड़े होके, थोड़ा सा रुक जाते हैं पत्थर बंद हो जाने देते हैं फिर क्रॉस करेंगे आराम से। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखो ये हरी हरी घास है ना, इसके ऊपर पत्थर सारे अटके हुए हैं। अब जब ये घास ही जल जाएगी जिनके सपोर्ट से पत्थर अटके हुए हैं, तो पत्थर सारे नीचे आएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब ये लैंडस्लाइड तो हो रही है पत्थरों की हो रही है, बारिश की वजह से नहीं हो रही है, नहीं तो बारिश की वजह से तो पहाड़ी पूरा आ जाएगा, मिट्टी के पहाड़ है सारे पूरे नीचे उतर के आ जाएंगे भाई खतरनाक। तो इसे देख सकते हो सारा मिट्टी का है, तो बारिश के टाइम पे तो ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ मैं, इस टाइम पे सेफ है ट्रैवल करना, लेकिन तब भी ये फायर जलाने की वजह से, ये भी फायर फ्यूचर को सोच के जलाई जाती है, ज़्यादा हो जाएगी ना ऐसी सूखी घास तो फिर एक बार एकदम से धूप से ही जल जाएगी और फिर पूरा पहाड़ जल जाएगा एक साथ, तो पेड़ जलने से बचाने के लिए ऐसे किया जाता है। और वैसे ये जो घास छोटी छोटी जल जाती है ना, तो इसकी भी खाद बन जाती है जो पेड़ों के अंदर ही डल जाती है अपने आप ही। बाकी यहाँ पर भी एक आग लग गई है, तो थोड़ा रिस्की लग रहा है यहाँ पर भी खड़ा होना।
पूरे जंगल में धीमे धीमे हर तरफ से आग लग रही है, लेकिन जिस तरफ हम जा रहे हैं ना उस तरफ पत्थर गिरना धीमे धीमे कम हो रहा है। और जैसे ही मैं बोलता हूँ पत्थर गिरते हैं, देखो अभी और गिर रहे हैं। अब तो और तेजी से भी गिर रहे हैं। सो रिस्की तो है भाई, पर ये आग बढ़ती जा रही है तो हर तरफ के पत्थर धीमे धीमे करके गिरेंगे ही। तो जैसे ही पत्थर गिरना बंद होते हैं तो रोड क्रॉस कर लेते हैं भाई। जैसे इस वक्त पत्थर नहीं गिर रहे हैं तो देख के ही क्रॉस करेंगे। प्रे करते हैं भगवान बचा लेना, कुछ ना हो अपन को, सेफली आगे बढ़े। वैसे ही भगवान के दर जा रहे हैं आगे भी। वाहेगुरु जी, भाई देख रहे हो ना कितने सारे पत्थर गिरे हैं। फाइनली क्रॉस कर दी, वाहेगुरु जी ने साथ दे दिया भाई, यहाँ पत्थर नहीं गिर रहे हैं। ओ वाहेगुरु, मैंने कुछ गाड़ियां देखी थी तो यहाँ तक तो आई थी पर वापस लौट गई थी, आंख से पत्थर गिर रहे थे ना इस चक्कर में। सो उत्तराखंड सरकार ने छोटे छोटे गाँव के लिए भी सब कुछ सोच रखा है भाई। देख रहे हो गए सामने आपने, सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं छोटे गाँव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए भाई। यहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और यहीं यूटिलाइज भी हो जा रही है आराम से भाई। है काफ़ी सही, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हो गए आप सोलर पैनल। बस इसके लिए एक दिक्कत पड़ती है, इन सोलर पैनल के ऊपर ना पानी डालना पड़ता है, नहीं तो इफेक्ट कम करने लग जाते हैं। हम भी प्लान कर रहे थे घर के अंदर ना ऊपर छत पर सोलर पैनल लगा दें, उससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम हो जाएगा और फ्री हो जाएगी बिजली भाई। सही है ना, एक बार इन्वेस्टमेंट होगी और लाइफ टाइम काम आएगा। काफ़ी सही चीज़ है वैसे, और काफ़ी सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। वैसे तो लाइट गई ही नहीं, कल मैं था पूरा इस गांव में, लाइट ही नहीं गई भाई। हर गांव के लिए लगा रखे हैं भाई, हर थोड़े देर बाद कोई गांव आता है तो वहाँ सारे सोलर पैनल इसी तरीके से लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारे पैचेस में जला रखा है भाई पेड़ों को, पर यहाँ पत्थर नहीं गिर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। सो ये जा रही है रोड जहाँ हमें जाना है गुड़तांग गली के लिए, कच्ची सड़क है पूरी। और पीछे निकल गया अपना हाईवे पूरा। वैसे अपन को लौट के नहीं आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद 30 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो देवप्रयाग पहुँच जाएंगे। इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है भाई, काफ़ी पुरानी रोड बनी हुई लग रही है। इस सड़क को शायद आपको यूज़ नहीं करता होगा, पर मुझे ये नहीं समझ में आया जो डेवलपमेंट के चक्कर में ये बनाया गया है अभी रिसेंटली गुड़तांग गली को, मिनी गुड़तांग गली। बेसिकली जो हर्षल वैली के पास बनी हुई ना गुड़तांग गली, उसी की सेम कॉपी बनाई गई है, पर ये ऐसे रूट के पास क्यों बनाई गई मुझे समझ में नहीं आया। लोगों के लिए आना बहुत टफ है भाई सच्ची, ये रूट को क्रॉस करते करते। मे भी हो सकता है उन्होंने ये सोच के बनाया होगा कि टूरिज़्म बढ़ जाएगा और इस सेक्टर के जो लोग हैं वो लोगों के लिए भी काफ़ी बिजनेस मिलेगा, इसलिए शायद उन्होंने इस तरह से रास्ता बनाया हो और डेवलपमेंट इस तरफ भी हो पाए।
लगभग 4-5 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ भाई, और पूरी रोड कच्ची है भाई, गंदी वाली कच्ची। ये अच्छा मैं चढ़ानी नहीं पड़ रही है ऊपर, अगर ऊपर चढ़ानी पड़ती तो काफ़ी ज़्यादा स्लिप करती। उतारते समय तो चलो तब भी थोड़ा स्लो स्लो उतार लेता आदमी, पर चढ़ाने में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आती है। सामान भी काफ़ी सारा था मेरे पास, और रोड बहुत गंदी है भाई, बहुत ही गंदी। तो जेसीबी वाले भैया भी लगे हुए हैं यहाँ पे जाने के लिए, उन्होंने जगह छोड़ी है मेरे लिए शायद। हाँ छोड़ रहे हैं। थैंक यू भैया। लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रोड नीचे चली गई थी, अभी इन्होंने पत्थर लगा लगा के रोड बनाई है सारी। सो 9 किलोमीटर के बाद मैं किसी हाईवे से टच हुआ हूँ भाई, और यहाँ रोड नहीं बनी है भाई, शुक्र है। नहीं तो 9 किलोमीटर एक क्रॉस करने में हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, सच्ची बता रहा हूँ। और ये रोड बनी हुई देख के ना दिल खुश हो रहा है मेरा काफ़ी ज़्यादा। वाह भाई वाह, बहुत गंदी रोड थी भाई सच्ची, बहुत ही ज़्यादा गंदी। और स्पीति सब कुछ याद दिला दिया था भाई। क्या हाल है भैया? लोग भी हैरान हो रहे हैं कौन सरदार जी जो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं आता। लो भाई ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, ख़त्म हो गई रोड। भाई भगवान कहते ना ज़्यादा खुश मत हो, एकदम से जमीन पे गिरा देते हैं भगवान, वही वाला हाल हो गया मेरे साथ। निकल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सामान है ना, थोड़ा सा आगे ले लो। लोग हैरान हो रहे हैं भाई कहाँ से आ गए हैं सरदार जी, यहाँ तो कोई भी नहीं आता। तो स्लिप काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई यहाँ पे, गाड़ी और पत्थरों में फंस जा रही है। मैंने कहा था ना चढ़ाई आएगी तो दिक्कत आएगी, चढ़ाई यहाँ आ गई। तो अपने पास सामान ज़्यादा होता है ना, तो जैसे गंदी गिट्टी होती है ना इसमें घुस जाते हैं टायर अंदर, वेट ज़्यादा होने की वजह से। सरकार ने जगह बनाई है तो उसके लिए रोड भी बना रही है साथ साथ, देख सकते हो पीछे रोड बनते हुए दिख रही होगी आपको सारी। आने वाले टाइम में जब आप लोग आ रहे होगे तो ये गंदी रोड रहेगी नहीं। खैर पर एक बात बता दूं, यहाँ पूरे रास्ते में कहीं एक सिंगल होटल भी नहीं है स्टे करने के लिए। हो सकता है टूरिज्म बढ़ जाए तो उसके बाद स्टे करने के लिए ऑप्शंस खुल जाएं, पर अभी कोई एक सिंगल लोकेशन भी नहीं थी स्टे करने के लिए। एक बात तो है भाई, जहाँ पर इंसान ना मिले, इंसान की जात ना मिले, वहाँ कोई भी ना मिल रहा हो तो यहाँ PWD मिल जाता है भाई काम करता हुआ, और कुछ अपने बिहार से आए हुए भाई जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं बस, और कोई नहीं है इस पूरी सड़क पर। एक सिंगल गांव भी नहीं है, लेकिन हाँ जब हम गुड़तांग गली के पास पहुँचेंगे वहाँ पे एक गांव बता रहे हैं। देखो यहाँ भी रोड बन रही है पूरी, मतलब 3-4 पैचेस में रोड कंप्लीट हो चुकी है। सो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोड थी भाई, लास्ट के 10 किलोमीटर जो है ना वो रोड बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, जैसे कि ये रोड है सामने आपको नजर आ रही है, पूरी रोड बिल्ट हो चुकी है आराम से। हो सकता है आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर पूरी रोड कंप्लीट हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी भाई, फिर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उतराई चढ़ाई बहुत है, क्योंकि छोटा सा ही एरिया है और यहाँ पे सिंगल एक गांव था जो मैंने पीछे जस्ट अभी छोड़ा है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और उसके अंदर ही मुझे एक सिंगल नलका दे रहा जहाँ पे पानी मिल रहा था भाई, छोटा सा पाइप था उससे पानी निकल रहा था बढ़िया ठंडा ठंडा। पानी भर लिया, पानी पी लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। अब ज़्यादा रास्ता नहीं बचा है, बस 6 किलोमीटर्स का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, मतलब टोटल 35 किलोमीटर्स को पार करने में मुझे 3 घंटे लग गए। हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई भाई, एक तो घंटा मेरा उसकी वजह से बर्बाद हो गया जब पत्थर गिर रहे थे ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा। सो लगभग भाई 15 से 20 मिनट बैठने के बाद, पानी पूरा ढंग से 1 लीटर पीने के बाद वापस चल पड़े अपने सफ़र पे। मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब अभी यहाँ से एक थोड़ा सा एक आगे जाके गांव आने वाला है 6 किलोमीटर के बाद, उसका नाम है अमोला, और इस गांव के अंदर तो एक सिंगल दुकान भी नहीं थी,
बाकी वहाँ देखते हैं कोई दुकान वकान मिल जाए हमें, ताकि हम थोड़ा बहुत सामान ले सके आज रात की कुकिंग के लिए। बाकी हमने भाई प्लान ड्रॉप कर दिया आज जाने के लिए, सोच रहे हैं कल जाएंगे आराम से, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो चुका है। अगर अभी मैं पहुँचा तो सीन कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं बस वहाँ पहुँचूँगा और वहीं फंस जाऊँगा। थोड़ा ट्रैक करके जाना है और मज़ा भी नहीं आया खैर शाम के टाइम वहाँ पे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। भाई काफ़ी बड़ा गाँव है ये भी, और दुकानें नहीं नज़र आ रही हैं भाई, सिर्फ घर ही घर है। हो सकता है आगे दुकान अपन को कोई मिल जाए, पर काफ़ी खूबसूरत है यार गाँव सच्ची। तो भाई गांव क्रॉस भी हो गया साइड से, दुकान भी नहीं दिखी एक सिंगल। बड़ी खतरनाक रोड है भाई, वो साइड में आपको दिख रही होगी दूर रोड चलती हुई, वो रही बद्री विशाल और केदारनाथ धाम की रोड जो जा रही है, वो रोड मैं आपको बहुत देर से दिखा रहा हूँ खैर। और काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा है, मतलब जो अभी आग जला दी ना उनके वजह से पूरे एरिया में धुआं धुआं हो चुका है भाई। तो सामने पूरा एक गाँव अमोला नज़र आ रहा होगा आपको भाई, बस यही है लास्ट, आज यहाँ रुकना पड़ेगा, इसके बाद आगे कोई गांव नहीं है। और इसी के आगे जाके ही वो जगह है जहाँ पे हमें जाना है, एग्जैक्ट गंगा नदी के पास। जगह तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई, सो वो रास्ता था गांव जाने का, पूरा पैदल वाला रास्ता है और गांव पूरा आपको सामने नज़र आ रहा होगा। दुकान कोई नज़र नहीं आई भाई, सिंगल एक दुकान नज़र नहीं आई। बाकी स्टे करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, रोड साइड में ही स्टे करना चाह रहा हूँ मैं तो। बाइक छोड़ के ज़्यादा दूर सामान उठा के लेके जाना बड़ी दिक्कत वाला काम होता है भाई, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है गाँव यार सच्ची। माता जी कन्फ्यूज थी जगह दूँ नहीं दूँ, पता चले कौन है ये, क्यों आए हमारे गांव, कहीं लुटेरा तो नहीं ना ऐसा पता क्या होता है, हर किसी को परमिशन एकदम से नहीं मिलती है, परमिशन लेने के लिए थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी यार गांव बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप देखोगे सारों की छत पहाड़ के पत्थरों से बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई। पर परमिशन मिल जाए बस यहाँ रुकने के लिए, खेत तो बहुत हैं कहीं भी लगा देंगे। तो ये ऊपर जाके सरकारी स्कूल है भाई और बंद पड़ा है, यहाँ पे भी कोई नहीं दिख रहा है। चलो ये अंकल सामने आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। ओ वैसे एक जगह भी मिल गई है मुझे, वहाँ कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं और दिक्कत भी नहीं आएगी रुकने में। भैया जी मैं यूट्यूबर हूँ, उत्तर प्रदेश आगरा से आया हूँ, नीचे वो है ना गुड़तांग गली, वहाँ जा रहा हूँ रात के लिए, यहाँ रुकना है, टेंट लगाना है, छोटा सा ही टेंट है। क्या लगाना है? टेंट लगाना है, छोटा टेंट है मेरे पास। कार को भी यहीं रुकोगे? हाँ। सो फाइनली मैं अपनी लोकेशन में पहुंच चुका हूं जहां मैं आज स्टे करने वाला हूं। ये अभी तक की मेरे लाइफ की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है भाई, इतनी ज़्यादा एडवेंचरस भी है। आने के लिए बहुत टफ था, देख रहे हो वो सामने चढ़ते चढ़ते आया हूं, बहुत टफ। और यहां थोड़ी सी जगह है बस, यहां कैंप लगने वाला है अपना। और ये देखो सामने व्यू, एक नंबर व्यू है। सो भैया यहाँ के लोकल हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है। नॉर्मली जितने यूट्यूबर्स आते हैं उन्हें वही जगह बताते हैं रहने के लिए, मतलब वैसे मैं देख रहा हूँ ईजी नहीं है यहाँ पर रहना, लेकिन जब यूट्यूबर आएगा ना उसके लिए तो फेवरेट जगह जन्नत है भाई जन्नत। और सामने आपको दिखाऊं वो रही सामने गुड़तांग गली, और ये छोटी वाली जो गली दिख रही है ना, ये जो गली दिख रही है आपको छोटी सी रास्ता दिख रहा है, ये बद्रीनाथ केदारनाथ पैदल मार्ग है जो पहले यूज़ किया जाता था, ये वही मार्ग है। कल सुबह पूरा आपको दिखाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत टफ था यहाँ तक पहुँचना लेकिन फाइनली हम पहुँच चुके हैं। धन्यवाद भाई जी, बहुत बढ़िया जगह है। देखो हमें पता है ना चॉइस कैसे क्या क्या है किसकी क्या है, घर में तो हम वैसे भी रहते हैं ना, आपको इतना मजा आएगा शाम को जब पूरा सूर्य ढक जाएगा, फिर देखना यहाँ का व्यू बहुत प्यारा हो जाएगा।
बाकी भैया ने मुझे इनवाइट किया था अपने घर के लिए भी, पर मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया मुझे घर नहीं रहना, मुझे ऐसे मतलब बिल्कुल नेचर के साथ रहना है, तो उन्होंने मुझे जगह सजेस्ट करी, बहुत ब्यूटीफुल है जेन्युइनली, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। तो यहाँ अपनी सब्जियाँ कटना स्टार्ट हो चुकी है भाई, ये काट रहा हूँ मैं भाई टमाटर, सामने सनसेट हो रहा है बहुत ब्यूटीफुल सा। काश आज मेरे पास ड्रोन होता मैं आपको ये पूरी लोकेशन दिखा पाता, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं बिल्कुल हिल टॉप पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे पूरी पहाड़ी है, बस थोड़ा सा एक किनारी है मेरे पास, उस जगह बैठा हूँ और नीचे पूरी मस्त सी भाई व्यू है नदी का, खाई कह सकते हैं, खतरनाक सा लग रहा होगा आपको सुन के, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, एडवेंचर वाली जगह है काफी, और मजा आ रहा है यहाँ बैठ के, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के सुना है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सनसेट हो चुका है भाई, और अपना टमाटर कट चुके हैं और कट रहे हैं प्याज, यहाँ पर मस्त सनसेट होते होते मजा आ गया। खैर बस थोड़ी बहुत देर में कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी, आज भी अपन को बनाना पड़ेगा भाई सोयाबीन, पर मैं आज पुलाव बना रहा हूँ, कल तो मैंने सब्जी अलग बनाई थी, आज सब्जी नहीं बना रहा हूँ, सीधा पुलाव बना रहा हूँ, क्योंकि सोयाबीन पहले के बचे हुए थे, और पता है क्या सामान एक बार ले रहा हूँ, दो दो बार यूज हो रहा है, सिंगल बंदा हूँ ना इसलिए, और सामान कम से कम भी ले रहा हूँ, मतलब मैंने सिर्फ 50 रुपये का सामान लिया है, वो भी दो टाइम चल गया है, तो खाने में वैसे भी कुकिंग में खर्चा कहाँ ज़्यादा आता है, कम ही आता है। खैर और रास्ते में मुझे कोई दुकान भी नहीं दिखी थी, नहीं तो मैं थोड़े बहुत वेजिटेबल्स और ले लेता, पर कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे ले लेंगे जब हम आगे ट्रैवल करेंगे। तो सो लेट मी टेल यू, आज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट जगह पे कुकिंग हो रही है भाई, और ये रहा अपना देसी घी, ठीक है डालने वाला हूँ घी इसके अंदर, और जैसे कि आपको पता है मुझे घी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो अपन घी में बनाने वाले हैं पुलाव आज। सो सबसे पहले हमने डाल दिए थोड़े से बिल्कुल गरम मसाले, और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, जो पिसा हुआ आता है भाई पैकेट का वही डाला है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है, और प्लस मैं अकेला हूँ क्या क्या काटूंगा इसलिए, तो अब मैं जुगाड़ वाला काम करने लगता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेला हूँ तो फटाफट बनाना है खाना, और ज़्यादा देर नहीं लगानी है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी खाना है और फिर एडिटिंग भी करनी होती है आपके लिए, कल रात को 2 बजे तक एडिटिंग करता रहा मैं, परेशान हो गया था। बाकी मैंने सारी सब्जी वब्जी दबा के काट दी है, मुझे वेजिटेबल्स काफ़ी पसंद है, ग्रेवी पसंद है थोड़ी बहुत, इसलिए डालते हैं भाई फटाफट, नहीं तो आपसे बातें करते करते मसाला जल जाएगा। हरी मिर्च और प्याज भी अपने डाल दिए थोड़ा सा तलने के लिए, ऑयल के साथ, घी के साथ सॉरी। तो यहाँ हमारा मसाला तैयार हो रहा है, और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ साथ में, और इस व्यू को देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पूरा पिंक पिंक हो रखा है। सो भाई यहाँ अपना खाना बन चुका है जंगल के अंदर मस्त, भाई मैंने पुलाव बना दिया बढ़िया तरीके से, बस एक दिक्कत हो जाती है मेरे साथ हमेशा ही, ये मतलब हमेशा से रहा है मेरे साथ, होता क्या है मैं खाना बनाता हूँ कम ही, लेकिन बन जाता है मुझसे हमेशा ज़्यादा, हाथ खुल लेना मेरे, क्योंकि मैं हमेशा होटल में काम करता रहा हूँ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना बनाता था मैं, तो अभी तक मेरा हाथ सेट नहीं हो पा रहा है, ना मेरे पास कंटेनर रहता है नापने का, तो मैं हाथ सोचता हूँ कि कम ना पड़ जाए करके इतना बन जाता है कि वो 2 टाइम खाने लायक बन जाता है, और आज भी देखो कुछ ऐसा ही हो चुका है, अभी दिखाता हूँ आपको। सो ये रहे चावल भाई, बहुत क्वांटिटी देख रहे हो, 2 टाइम खा सकता हूँ मैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, सुबह ऐसे ही खा के निकल जाएंगे मस्त टाइम से, तो सुबह टाइम भी नहीं लगेगा अपने को, कहीं जाना भी नहीं है, रख देंगे इसे संभाल के। चलो भाई खाना खाते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ, कल हम गुरतांग गली एक्सप्लोर करने जाएंगे, बिल्कुल पास ही है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, रात का व्यू भी काफ़ी मस्त है भाई, छोटे छोटे तारे नीचे की तरफ दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूं और वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड।